ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनी गाइस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और जैसा हम अपने YouTube चैनल पर फ्री फाउंडेशन कोर्स UPSC के लिए चला रहे हैं, उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी। तो अभी तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली और हम आ गए थे इंडियन ज्योग्राफी पर, जिसमें हमने लास्ट कुछ क्लासेस में ड्रेनेज पैटर्न को देख लिया था। अब आते हैं भारत के क्लाइमेट पर। जैसा हम फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेट को अच्छे से समझ चुके हैं, तो आइए भारत के क्लाइमेट को समझते हैं। मानसून क्या होते हैं, मानसून को समझते हैं, रेनफॉल पैटर्न को समझते हैं भारत की। सो क्लाइमेट को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी भी स्थान पर, किसी भी प्लेस पर जो लंबे समय के लिए वेदर रहा है, वेदर पैटर्न रहा है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जनरली ये 30 से 40 साल के समय के वेदर को अपने कंपैरिजन में लेता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला कि लेटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो भारत का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लगभग 30 डिग्री का है, जिसकी वजह से वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इंडिया में। जैसे आप नॉर्थ में आपको स्नो पीक माउंटेन्स मिल जाएंगे, साउथ में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिल जाएगा, फिर आप वेस्ट में जाएंगे तो राजस्थान का हॉट डेजर्ट्स मिल जाएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट का आपका अलग क्लाइमेट है। सो फर्स्ट फैक्टर इज लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड फैक्टर इज लोकेशन ऑफ इंडिया नियरर टू इंडियन ओशियन, जिसकी वजह से भी मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस में। जैसे आपको पता है कि लैंड हीट्स अप क्विकली एंड कूल्स डाउन क्विकली, जबकि जो ओशियन है वो गर्म भी धीरे होता और ठंडा भी धीरे होता है, जिसकी वजह से एक मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है। तीसरा फैक्टर है जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, इट इज प्रेजेंस ऑफ हिमालयस। ये हिमालयस हमको प्रोटेक्ट करता है जो मंगोलिया, सेंट्रल एशिया से जो विंड्स आ रही हैं, कोल्ड एंड ड्राई विंड्स, उनके लिए ये बैरियर का काम करता है। सो दिस हिमालय प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग विंटर्स। और हिमालय इंडियन मानसून को भी इम्पैक्ट करता है, जो हम अभी समझेंगे मानसून में। चौथा फैक्टर है टोपोग्राफिकल फीचर्स, जैसे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे बरसात बहुत ज्यादा होती है, और जो माउंटेन से जब मानसून विंड्स हैं वो ऊपर जाएंगी तो अपना सारा मॉइस्चर यहीं पे छोड़ जाती हैं, और जब तक ये विंड्स वेस्टर्न घाट के दूसरे साइड पे पहुंचेंगी, जो ईस्टर्न साइड है वहां पर पहुंचते ये विंड्स अपना जो मॉइस्चर है ऑलरेडी दे शेड ऑफ इन द वेस्टर्न पार्ट। तो जो ईस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का, इट इज ड्रायर रीजन। पांचवा फैक्टर है मानसून विंड। मानसून विंड डोमिनेटिंग फैक्टर है इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस का, क्योंकि आपको पता है कि भारत का क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। छठवां फैक्टर है जेट स्ट्रीम। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मिली 3 जेट स्ट्रीम्स इंपैक्ट करती हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली एंड सोमाली जेट स्ट्रीम। सातवां फैक्टर है साइक्लोन्स भी आपको पता है, जैसे समर्स में बे ऑफ बंगाल में बहुत साइक्लोन्स आती हैं, सो साइक्लोन्स ऑल्सो इम्पैक्ट द लार्जर कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। और आठवां फैक्टर है अलनीनो, लानीना, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, इंडियन ओशियन डायपोल्स, ये भी वेरिएशंस करते हैं मानसून में इंडिया में। जैसे अलनीनो को टाइम में जो रेनफॉल है वो कम होती है, ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, जबकि लानीना फेवर्स रेनफॉल। तो ये कुछ फैक्टर हैं विच इम्पैक्ट्स इंडियन क्लाइमेट। अब आते हैं मानसून पर। मानसून जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है अरबिक वर्ड मौसम से। मौसम का मतलब होता था अरबिक लैंग्वेज में सीजन, और इस मानसून ने साइंटिस्ट को और पुराने समय में भी लोगों को काफ़ी अचंभित किया है। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस मानसून के बारे में जानने में लगे हुए हैं, और उनको सबसे ज़्यादा चकराता है ये मानसून कि कैसे ये अपने पैटर्न को बदलता है, और ये जो बारिश है वो ज़्यादा हो जाती है, और वेरियस अदर फैक्टर्स ऑफ मानसून, और उसको प्रिडिक्ट भी आसानी से नहीं किया जा सकता। हाँ, कह सकते हैं कि जो हमारे कॉमन पीपल्स हैं चाय की टपरी पर बैठ के बता सकते हैं कि कल बारिश होगी, बट अभी हमारे साइंटिस्ट हैं वो इतना एडवांस नहीं हुए हैं कि वो चाय पीते पीते बता दें कि कल बारिश होगी या नहीं। सो इंडियन मानसून इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। अब ये मानसून हमेशा से ही, पुराने समय से ही लोगों को अट्रैक्ट करता आ रहा है। तो जो पहले के समय क्लासिकल थ्योरी थी उसने इस मानसून को एक्सप्लेन किया है एज ह्यूज लैंड एंड सी ब्रीज, क्योंकि उन्होंने बोला जैसे गर्मियों में जो धरती है, लैंड है, वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जो सी है कंपैरेटिवली कोल्डर रहता है, जिससे वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। सो विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो विंटर्स कंडीशन है वो इसके उल्टा है कि लैंड कूल हो जाता है और जो ओशन होता है, सी होता है, वो कंपैरेटिवली वार्मर होता है, तो विंड्स ब्लो करती हैं लैंड टू सी। बट
इस थ्योरी पे काफी क्वेश्चंस उठे, जैसे क्यों जो अरेबियन सी की तरफ से ही जो मॉनसून विंड्स आती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ से क्यों नहीं आती हैं, और जो वेरिएशंस हैं रेनफॉल के वो क्यों होते हैं, और मॉनसून कभी कभी जो होता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है जबकि कभी कभी ये बहुत वीक रहता है। तो ये सारे सवालों ने अब नई काफी थ्योरीज आई हैं, तो अब देखते हैं इस मॉनसून की जो मॉडर्न थ्योरी है उसको। तो सबसे पहले बात करते हैं समर कंडीशंस की। तो आपको बताया कि जो इंडियन मॉनसून विंड्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होता है साउथ वेस्ट मॉनसून, दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स होती हैं वो ब्लो करती हैं जून से सितंबर तक, जबकि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स जिसको रिट्रीटिंग मॉनसून भी बोलते हैं, इट ब्लो फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। कुछ रीज़न है मॉनसून के फॉर्मेशन का, जैसे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशंस की वजह से। दूसरा जो ITCZ है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से भी जो मॉनसून है वो भारत में आता है। जैसे ITCZ क्या होता है, इक्वेटर के पास एक लो प्रेशर बेल्ट है जहाँ पर जो ट्रेड विंड्स हैं दोनों हेमिस्फेयर की वो कन्वर्स करती हैं। तो समर्स के टाइम ये ITCZ शिफ्ट हो जाता है नॉर्थवर्ड अप टू टिबेटन प्लेट्यू, और ये ITCZ अपने साथ लाता है लो प्रेशर, और इस लो प्रेशर से अट्रैक्ट होती हैं मॉनसूनल विंड्स जो साउथ वेस्ट की तरफ आती हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश को लाती हैं अपने साथ। तो समर्स में क्या होता है, जो ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और लो प्रेशर आ जाएगा क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इट हीट अप्स, और ITCZ शिफ्ट हो जाएगा तिब्बतन प्लेट्यू तक और लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से जो साउथर्न ट्रेड विंड्स हैं वो अट्रैक्ट होंगी टावर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। और जब ये जो साउथर्न ट्रेड विंड्स हैं जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो दे टर्न इन राइट एंगल, और वो वैसे तो वो वेस्टर्न साइड जा रही होती हैं, बट जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगे कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टावर्ड्स ईस्ट, या मतलब 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, भारत की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और जैसा कि ये ट्रेड विंड्स ओशन पे ब्लो करती हुई आती हैं तो वो अपने साथ रास्ते में काफ़ी सारा मॉइस्चर कैरी कर लेती हैं, और इसी मॉइस्चर को दे शेड ऑफ इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जब ये ट्रेड विंड्स केरला कोस्ट को टकराती है तो ये बाइफरकेट हो जाती है टू स्ट्रीम्स में, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच सबसे पहला तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट होता है उसके पैरेलल ब्लो करती है बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। आपने मैप में देखा होगा कि जो कोरोमंडल कोस्ट से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो वाइड होने लगता है, और जिसकी वजह से ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से टकराने लगती हैं, और कोरोमंडल कोस्ट से आगे जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है रीजन है वहाँ से ये जो मॉनसून विंड्स हैं दे स्ट्राइक्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वो अपना मॉइस्चर शेड ऑफ करने लगती हैं, और फिर ये जो ट्रेड विंड्स हैं ऊपर जाके हिमालय से टकराती हैं और दो ब्रांच में बढ़ जाती हैं। एक ब्रांच जाती है वेस्टर्न तरफ कवरिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिमालयास के पैरेलल, और दूसरी ब्रांच चली जाती है ईस्टर्न तरफ जहाँ पे वो ब्रांच गारो खासी जयंतिया में हिल्स में फंस जाती है, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर बहुत सारा प्रेसिपिटेशन करती है क्योंकि वहाँ की जो टोपोग्राफी है हिल्स माउंटेन्स टोपोग्राफी है, तो उनसे टकराते हुए वहाँ पे वो मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा छोड़ती हैं, और जिसकी वजह से जो मासिनराम है नॉर्थ ईस्ट में इट इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, और जो दूसरी स्ट्रीम हिमालयस के पैरेलल जा रही होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये अपने साथ जो मॉइस्चर है उसको शेड ऑफ करती हुई जाती है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बारिश लाती हैं। अब बात करते हैं अरेबियन सी ब्रांच की। अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न घाट से टकराती हुई वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड पे अपना मॉइस्चर शेड ऑफ कर देती हैं, और जो ईस्टर्न साइड रहता है इट इज रेन शेडो रीजन। फिर ये आगे बढ़ती हैं अरावली के पैरेलल ब्लो करने लगती हैं जिसकी वजह से जो राजस्थान का रीजन है वहाँ पर ये जो ट्रेड विंड्स हैं दे डिड नॉट शेड ऑफ देयर मॉइस्चर, और राजस्थान एक डेजर्ट के रूप में बन जाता है क्योंकि जो अरावली हैं दे आर पैरेलल टू द ट्रेड विंड्स, जिसकी वजह से ये ट्रेड विंड्स उनसे टकराती नहीं है और उनके पैरेलली ब्लो करते हुए चली जाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर। और ये जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच है ये दोनों मिलती हैं लगभग आगरा के पास, और वहाँ से ये एक साथ ब्लो करती हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं। तो ये थी समर कंडीशंस, और इन समर्स में जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। अब जानते हैं विंटर कंडीशंस, विंटर्स में क्या होता है जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है जिसकी वजह से हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, और हाई प्रेशर की वजह से जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होते हैं, और इस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से विंड्स ब्लो अवे फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, और ये जो लैंड से सी की तरफ विंड्स ब्लो करने लगती हैं।
बिकॉज ऑफ दिस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन विंड्स ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम लैंड एंड और ये जो विंड्स होती हैं ये कोल्ड एंड ड्राई होती हैं क्योंकि ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाती हैं और ये जब कोल्ड एंड ड्राई विंड्स कोरोमंडल कोस्ट की तरफ जाती हैं तो ये रास्ते में अपने साथ मॉइस्चर कैरी कर लेती हैं और दे शेड ऑफ देयर मॉइस्चर इन तमिलनाडु रीजन और कोरोमंडल कोस्ट। और विंटर्स में क्या होता है जो मेडिटेरेनियन रीजन है वो भी रेनफॉल रिसीव करता है बिकॉज ऑफ द ऑनशोर वेस्टर्लीज और टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से मेडिटेरेनियन रीजन में जो रेनफॉल होती है और जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं अलोंग द मेडिटेरेनियन रीजन्स वो अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट लाती हैं और लो प्रेशर कंडीशंस को इंडिया की तरफ लाती हैं और जब ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो ये सर्दियों में थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेशन भी करती हैं नियर नॉर्थ वेस्ट हिमालयस। और ये जो प्रेसिपिटेशन होता है विंटर में ये होता है बिकॉज ऑफ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मेडिटेरेनियन रीजन से अपने साथ लो प्रेशर कंडीशंस और मॉइस्चर लाती हैं और ये जो प्रेसिपिटेशन है फिर ये जैसे गंगा प्लेन्स में आगे बढ़ेंगी विंड्स तो ये कम होता जाएगा। सो द प्रेसिपिटेशन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलोंग गंगा प्लेन्स। अब देखते हैं कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं इनके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। पहला ये रेनफॉल करते हैं ड्यूरिंग ड्राई विंटर सीजन्स। दूसरा विंटर क्रॉप्स जैसे वीट एंड मस्टर्ड के लिए ये काफ़ी फेवरेबल रहती है। और तीसरा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे एब्रप्टली टेम्परेचर डिक्रीज होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में और इनकी वजह से जो हिमालय रीजन है वहाँ पर स्नोफॉल होती है और कभी कभी ये क्लाउड बस्ट भी कर देते हैं जैसे 2020 में लेह क्लाउड बस्ट हुआ था। और जैसे आपको बताया कि जो सर्दियों में क्या होता है जो हाई प्रेशर कंडीशंस बन जाती हैं तो जो दिल्ली वगैरह नॉर्दर्न इंडिया का रीजन है वहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं। तो आपको बताया कि जो विंटर्स में दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं ये अपने साथ एक एक्टिव विंड्स लाते हैं जिससे जो पॉल्यूटेंट डिस्पर्सल में भी काफ़ी मदद होती है और जो स्टिल एयर रहती है उसको मूविंग एयर बना देते हैं और जो पॉल्यूटेंट नॉर्दर्न इंडिया में ट्रैप होते हैं उसको डिस्पर्स कर देते हैं। सो दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डिक्रीजेस द पॉल्यूशन लेवल इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये कुछ मतलब फ़ायदे थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के। लेकिन आजकल आप ये नोटिस कर रहे होंगे तो जो मॉनसून है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो ऑनसेट है वो डिले हो रहा है 2002 से और जो रिट्रीट ऑफ मॉनसून है वो भी डिले हो रहा है 15-20 दिन के लिए। ब्रेक्स मॉनसून में इंक्रीज हो रहे हैं, ड्राउट्स और फ्लड्स को अपन साइमल्टेनियसली देख रहे हैं और 1950 से एवरेज रेनफॉल भी कम हुई है, लगभग 7% तक एवरेज रेनफॉल कम हुई है। इनके पॉसिबल रीजन साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किए हैं, उन्होंने बोला कि जैसे प्रेशर पैटर्न है वो चेंज हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब, सरफेस टेम्परेचर ओशियन वाटर का इंक्रीज हो रहा है, इंसिडेंस ऑफ एल नीनो इंडियन ओशियन डायपोल ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, मानसून डिप्रेशन कम हो रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, जो एरोसोल लेवल है ब्लैक कार्बन वगैरह ये भी एटमोसफेयर में इंक्रीज हो रहे हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो क्लाउड फॉर्मेशन है उनको कम कर देती हैं। तो ये कुछ पॉसिबल रीजन है फॉर द चेंजेस इन मॉनसून इन इंडिया। तो चलिए अब पूरी लेक्चर्स को एक समराइज कर देते हैं क्योंकि ये एक टिपिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समर्स में क्या होता है ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं नॉर्थवर्ड में और जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है और वो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं। विंटर्स में क्या होता है ITCZ शिफ्ट साउथ इक्वेटर से भी साउथ वर्ड्स ITCZ शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होती हैं और हाई प्रेशर कंडीशंस की वजह से विंड्स ब्लो आउटवर्ड और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आते हैं जिसकी वजह से जो विंड्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करने लगती हैं और ये जो विंड्स होती हैं वो लैंड से ब्लो कर रही होती हैं तो ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी नहीं करती। बट जब ये कोरोमंडल कोस्ट से टकराती हैं तब ये ओशन से होते हुए कोरोमंडल कोस्ट से टकराती हैं। सो दे कैरी वाटर इन देयर पाथ और प्रेसिपिटेशन करती हैं इन कोरोमंडल कोस्ट। तो भारत में तमिलनाडु ऐसी जगह है जहाँ पे विंटर प्रेसिपिटेशन होता है और जो समर्स हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग रहती हैं और विंटर्स में आपको मैंने कौन सी बताई सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ये स्ट्रॉन्ग रहती हैं। और ये जो बीच के सीजन है जैसे स्प्रिंग ऑटम उसमें क्या होता है जो ITCZ शिफ्ट हो रहा होता है वही बेसिकली स्प्रिंग और ऑटम कंडीशंस लाते हैं जैसे समर और विंटर के बीच में नॉर्थ से साउथ की तरफ ITCZ जा रहा होता है। इससे क्या होता है जो साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं वो रिप्लेस होने लगती है नॉर्थ ईस्ट विंड से और जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती हैं वो फिर से अपीयर होने लगती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं वो वीकन होने लगती हैं। सो दिस क्रिएट्स ऑटम कंडीशंस। और सिमिलरली स्प्रिंग कंडीशंस में भी होता है कि जो विंटर्स के बाद ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने लगता है
और जो वेदर है वो हॉट एंड ड्राई हो जाता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वीक होने लगती हैं, और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो स्ट्रांग होने लगती हैं, और इसकी वजह से कहीं कहीं प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है, जिसको हम प्री मानसून शावर बोलते हैं इन स्प्रिंग्स। और जैसे मैंगो शावर केरला में होता है, कोस्टल कर्नाटका स्टेट्स में हो जाता है प्री मानसून शावर, सो दिस इज स्प्रिंग कंडीशन। सो फ्रेंड्स, ये था भारत का मानसून। मैंने आपको मानसून के सारे तथ्यों को समझाने की कोशिश की, कैसे भारत में मानसून आता है। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू, और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक IAS।